क्या केजरीवाल जेल जाएंगे? अगर केजरीवाल गए जेल तो कौन संभालेगा दिल्ली? आपके सामने ये होगा सबसे बड़ा चैलेंज सीएम के लिए, इन नामों पर हो रहा विचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये तय हो गया। आम आदमी पार्टी की ओर से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए। अगर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी तो उनकी जगह एक नाम है जो दिल्ली की गद्दी संभालेंगे। दरअसल दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आप बीजेपी पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आप जरूरत पड़ने पर केजरीवाल की जगह भरने के लिए रणनीति बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने कुछ भरोसेमंद विधायकों और सलाहकारों से संपर्क किया है। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे और संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कर आपको खत्म करना चाहती है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के सत्ता में आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब बीजेपी के नेता ईडी के जरिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही बीजेपी के नेता चिल्ला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की जगह अस्थायी तौर पर किसी नेता को चुनना आसान नहीं होगा। उनके डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अन्य मामले में बेल पर हैं। ऐसे में उनके पास सीमित संख्या में नेता बचते हैं। ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस तरह का चिंतन कर रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जब केजरीवाल को सीबीआई ने अप्रैल में बुलाया था तब पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय और संजय सिंह के नाम की चर्चा हुई थी। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय के नाम की चर्चा इस बार भी हो रही है। उनके अलावा इस बार राम निवास गोयल और आतिशी के नाम पर भी विचार किया गया। पार्टी के एक सीनियर नेता ने एक अखबार को बताया कि अंतिम फैसला सीएम ही लेंगे, कई चीजों पर विचार किया जाना बाकी है। इससे पहले कि वो पूछताछ के लिए जाएं कई चीजों को सुलझाना जरूरी है। गोपाल राय अन्ना आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य हैं। 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी एमएलए राम निवास गोयल दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं, जबकि आतिशी के पास इस समय दिल्ली कैबिनेट में सबसे ज्यादा विभाग हैं। सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के केस में ग्राउंड सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में सरकार चलाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि केजरीवाल के पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जोड़े रखना बड़ी समस्या हो सकता है। इस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि पार्टी के सामने चैलेंज किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो विधायकों के लिए स्वीकार्य हो और जो कुछ हद तक अधिकार का प्रयोग कर सके, क्योंकि अगर सीएम को गिरफ्तार किया जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि एमएलएज को एकजुट रखने की जरूरत है। इस समय पार्टी के सामने आइडल चॉइस ये है कि जो व्यक्ति शुरू से ही पार्टी के साथ रहा हो और शीर्ष नेतृत्व उस पर भरोसा करता हो उसे चुना जाए। ये भी जरूरी है कि केजरीवाल की जगह चुना गया चेहरा दिल्ली की राजनीति को अंदर और बाहर से समझता हो।